तो दोस्तों आइए देखते हैं एक और बेहतरीन जानकारी वाला वीडियो। ये वीडियो बनाया गया है श्री गिर गौ कृषि जतन संस्थान जो कि गोंडल गुजरात में है। इसको चलाते हैं रमेश रुपारेलिया जी और इनके पास पशुपालन से जुड़ा हुआ बहुत ही बेहतरीन जानकारी का एक कलेक्शन है। इस वीडियो में ये बताएंगे कि किस तरीके से आप बिना किसी मशीनरी को इस्तेमाल किए हुए अपने डेयरी फार्म में टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इन्होंने किसी भी किस्म का कोई आधुनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किया है। पारंपरिक रूप से कौन से पेड़ लगाए जाएं और किस तरीके से लगाए जाएं ताकि आप जहां पशु पाल रहे हैं वहां टेम्परेचर मेंटेन रहे, इस बारे में इन्होंने कुछ हमारे साथ जानकारी शेयर की है। बहुत ही मैं कहूंगा कीमती जानकारी इनसे हमें मिली है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। जो दर्शक चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ठंडी में गर्म कैसे रहे और गर्मी में ठंडा कैसे रहे, तो उसके लिए हमारे जो पुरखे जो दादा परदादा जो प्रयोग करते थे उसमें से एक ये प्रयोग है। हमारा जो खेत था गांव में पुराना, वहाँ पे हम बैल और गाय बांधते थे ऐसे, तो गर्मी में जिधर से हवा आती थी ना तो उधर निरगुंडी लगाई हुई थी। तो मतलब बात बात में बात होती है ना घर में कि इधर क्यों ये लगाया है, तो दादा बोलते थे कि इधर से गर्म हवा आती है ना, ये पेड़ गर्म हवा को ठंडा करके भेजता है। तो आइए वो भी हम देखते हैं कि ये इसमें कितना अंतर होता है। यहाँ आपको गर्म हवा नहीं लगेगी, बिल्कुल फर्क महसूस होगा। थर्मोमीटर लगाएंगे तो टेम्परेचर में भी फर्क होगा। यहाँ आपको गर्मी बैठ के देख सकते हैं, यहाँ आपको गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल आराम से, एकदम बैठ के ट्राई कर सकते हो। बैठ जाओ इसको खाने का। हाँ खाते हैं, आप बैठ के देख सकते हैं, यहाँ बैठो नीचे हवा आएगी तो एकदम ठंडी हवा आएगी। आप बैठ के देखो एकदम ठंडी हवा आएगी। ये पुरखों का कूलर है, क्या है, प्रकृति प्रकृति के एयर कूलर है। यहाँ का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर उसमें आपको अंतर महसूस होगा। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा ये है जो अभी कोई बोल रहा था ना कूलर लगाने के लिए। तो यदि आपका गौशाला बाहर है और उसमें पेड़ लगा सकते हो तो जो जिधर से गर्मी में हवा आती है उधर ये निर्गुंडी के प्लस के ये पेड़ लगाने चाहिए। ये क्या नाम है इस पेड़ का? इसका नाम है निर्गुंडी। अच्छा निर्गुंडी। हाँ इसमें काली भी आती है, ये हरे रंग की है, इसमें काली निर्गुंडी भी आती है। तब तो पड़ने में भी यूज होता है इसका? नहीं। और ये बरगद का पेड़ है, अपने आप जो है ये पूरी प्रकृति को शीतल करने का काम करता है बरगद का पेड़। कई बार जो अपनी गाय को वो बाहर आ जाता है ना यूट्रस फूल दिखाती है, गाय फूल दिखाती है तो इसकी छाल लेना है, जैसे इसकी छाल लेना है, यहाँ नहीं आएगा वो, इसकी छाल लेना है 200 ग्राम बरगद की छाल लेना है 200 ग्राम और आधा किलो देसी गाय का घी और 100 ग्राम काले मरी, इनको मिक्स करके बढ़िया सा एक पेस्ट बना के गाय को पिला देना, उसमें 200 ग्राम मिश्री डाल देना। बरगद की छाल 200 ग्राम, आधा किलो देसी गाय का घी, 200 ग्राम मिश्री और 50 ग्राम या 100 ग्राम 50-100 के बीच में रेशिया काली मिर्च का, बड़ी गाय है तो 100 ग्राम तक ले सकते हैं, छोटी गाय तो 50 ग्राम ले सकते हैं। इतना मिला के आप 3-4 दिन पिलाओगे ये जो पीछा दिखाने का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। लगभग 80% लोगों को परिणाम मिलता है। और ये पेड़ का महत्व विशेष है, वेदों में भी है, शास्त्रों में भी है और आज भी है, इसीलिए ब्रह्मांड का सर्व सत्य गाय के बराबर इसका वैल्यू है। इसके जो इसमें आते हैं ना ये कुमल होता है एकदम, ये जो ऊपर का ये मिश्री और दूध के साथ खाने से वीर्य बढ़ाता है, त्रिबीज बढ़ता है, पुरुषत्व प्राप्त होता है। इसका ये दूध है, ये पत्ता से में एक एक बूंद डाल के रोज़ खाने से स्पर्म बढ़ते हैं, पुरुषत्व बढ़ता है, नपुंसकता दूर होती है।
और इसके नीचे मात्र बैठने से देवी शक्ति, पुरुषत्व, सात्विकता, पवित्रता सभी चीज इसके नीचे मात्र बैठने से प्रदान होती है, बहुत फायदेमंद है बरगद का। अर्जुन को भी रख रखा और दांतों की समस्या, दांतों में कीड़े, दांत जैसे ढीले हो गए हैं, तो इसकी जो जटा है इसका दातुन करो आप, दो दिन में दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो ये कुदरती कूलर है अपना। हाँ क्या बोलते हैं हिंदी में? बरगद। तो 500 ग्राम घी, 200 ग्राम बरगद की छाल, 200 ग्राम मिश्री और 50 या 100 ग्राम काली मिर्च। काली मिर्च ठीक है। कितने साल से पेड़ की उम्र कितनी? इसकी उम्र 2000-3000 साल। हमें कह रहे भाई अच्छा ये इसकी आयु है 7 साल। साठ साल पुराना है पेड़। 60 साल, 7 साल। अभी आप बाहर जाएंगे तो आ जाओ।